नमस्कार मित्रों, मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आज एक महत्वपूर्ण विषय जो साइबर बुलिंग, साइबर युग और यो आज करंट अपना साइबर वर्ल्ड है, इसकी सुरक्षा के लिए बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल डिजिटल युग है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके मोबाइल, जो भी सोशल इनमें सोशल मीडिया से संबंधित वो है, इनमें कई तरह के ऑफेंसेज होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति का पूरा डेटा, उसकी डिटेल आदि उसमें कोई भी व्यक्ति देखकर उसका मिसयूज कर लेता है। साइबर बुलिंग के ऑफेंस में आईटी एक्ट 2000 के अंदर कहीं भी इसकी कोई डेफिनेशन परिभाषित नहीं की गई है। इसमें यह बतलाया गया है कि इंटरनेट की दुनिया में होने वाले जो ऑफेंसेज हैं वो आईपीसी में भी पनिशेबल है, ये मैं अभी आपको आगे बतलाऊंगा। साइबर बुलिंग एक डिजिटल वर्ल्ड में कुछ व्यक्तियों द्वारा किसी की भी कोई सामग्री चुरा कर, किसी के साथ कोई बदमाशी करके, किसी को डरा धमका के, किसी के कोई डेटा को चोरी करके, और फिजिकल वर्ल्ड में तथा वर्चुअल वर्ल्ड में, दोनों में ये इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं। वो कैसे होते हैं ये मैं अब आपको बताऊंगा। भौतिक और आभासी जो दुनिया है इसमें साइबर बुलिंग जैसे कई अपराध हर रोज घटित हो रहे हैं, क्योंकि लोग साइबर इसके अपने डिजिटल इसमें अधिक तरह से, जैसे मोबाइल है उसके अंदर व्हाट्सएप है, आपका यूट्यूब है, फेसबुक है, ये ट्विटर है, इन सभी का यूज लोग करते हैं और उनमें बहुत सारी अपनी जानकारियां एक दूसरे को देते रहते हैं। दोनों दुनियाओं में सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस कैसा है, इस बात की जानकारी लोगों को हो जाती है, और किस तरह का आप क्या कमेंट कर रहे हैं इसकी भी लोग जानकारी रखते हैं। जेंडर बायस जो ऑफेंसेज हैं वो भी इसमें बहुत सारे एनिमेशन है, नेशनलिस्ट आप हैं कैसे हैं, तो इस तरह के फेसबुक में पोर्नोग्राफिकल कोई भी चीज कमेंट डाल देते हैं, पोर्नोग्राफी किसी के फोटो वगैरह चुरा के, हमारी प्रेजेंस कैसी है ये सोशल मीडिया पर ये इससे पता लगती है, और जिसमें अपशब्द, फोटो, गाली गलौच, धमकी, डराना, धमकाना, ये सब चीजें आती है। फर्जी प्रोफाइलें लोग एक दूसरे की चुरा लेते हैं और बनाकर किसी के नाम से चीटिंग करके, उसमें इसका मुख्य पर्पज साइबर बुलिंग का अपनी सेफ्टी रखना है, और यदि पब्लिक आप फिगर हैं और क्या काम कर रहे हैं तो लोगों को इसकी जानकारी मोस्टली हो ही जाती है। पर्सनल प्रोफाइल को इसलिए अलग रखें और बिजनेस की प्रोफाइल को अलग रखें। साइबर वर्ल्ड में कोई भी किसी व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग करके इस तरह के ऑफेंसेस वर्चुअल और फिजिकल वर्ल्ड में कर रहा है। इसकी क्रिटिसिज्म यह है कि साइबर बुलिंग ना हो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी पर कोई कमेंट करता है कि आपका ये कृत्य ठीक नहीं है, तो एक कमेंट साइबर बुलिंग में नहीं आता है, और किताब में यदि कोई चीज या उसके जजमेंट आदि में कोई मिस्टेक हो गई है तो यह भी साइबर बुलिंग नहीं माना जाएगा। बल्कि अगर किसी तरह का पोर्नोग्राफिकल और उसमें ये कोई किसी ने किताब लिखी है, कोई चीज डिलीवर की है और वो ये कहता है कि तो पक्का गधा है, ऐसे कुछ नहीं आता है, तो ये साइबर बुलिंग माना जाएगा। ऐसी प्रोफाइलों को ब्लॉक कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, जिससे साइबर बुलिंग का ऑफेंस कम से कम हो। कोई भी बात जो आपको अत्यधिक परेशान या महिलाओं को परेशान करती है, इसके लिए पुलिस की एक भिन्न शाखा में साइबर सेल बनाई गई है, वहां आप इसकी रिपोर्ट आदि कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन 67 में इसकी व्यवस्था दी गई है, और ये कहा गया है कि ये ऑफेंस अगर कोई करता है तो 3 साल का उसको इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख तक का फाइन किया जा सकता है। इसी तरह सेक्शन 66E आईटी एक्ट 2000 में ये व्यवस्था दी गई कि जानबूझकर अगर कोई डराता धमकाता है किसी को तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और 3 लाख तक का फाइन किया जा सकता है। फर्जी प्रोफाइल अगर अज्ञात माध्यम से बनाता है 507 आईपीसी में, उसमें 2 साल तक की सजा का इंडियन पेनल कोड में प्रावधान दिया गया है। खुद को कोई कमर्शियल किसी तरह का वो कमेंट करता है तो ऐसे परेशान होने पर आदमी को तत्काल साइबर विंग में इसकी रिपोर्ट कर देना चाहिए, और संभवतः उसको ब्लॉक, बैन साइट को या डिलीट कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर साइबर वर्ल्ड में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, यह मैंने
संक्षिप्त शब्दों में आपको जानकारी दी। साइबर बुलिंग में आईटी एक्ट 2000 के तहत यद्यपि डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि आजकल डिजिटल युग है, हर व्यक्ति इसके इंटरनेट के माध्यम से तथा उस दुनिया में होने वाले ऑफेंसेज में किसी भी तरह के इंटेंशन, गलत इंटेंशन को लेकर कार्य कर रहा है, और दोनों वर्ल्ड जो अभी मैंने आपको बताया, वर्चुअल वर्ल्ड और जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें इस तरह के ऑफेंसेज होना स्वाभाविक है और हो भी रहे हैं। अभी हाल ही में वैक्सीन आदि आने के बारे में जैसे ही जानकारी हुई, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में कई लोगों से ठगी कर उनसे फीस के माध्यम से उनके खाते से कई ठगों ने पैसे उड़ा दिए हैं। तो कल ही मैं न्यूज़ में ये चीज़ देख रहा था कि भविष्य में लोग इस बात का ध्यान रखें, सोशल मीडिया में इस तरह के ऑफेंसेज होना स्वाभाविक है, लेकिन आप अपनी बचत कर सुरक्षा कैसे करें, इस बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी दी। यदि मेरा यह वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया, यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जानकारी दें। इस प्रकार साइबर बुलिंग के अपराध से आप कैसे बच सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।